वेलकम बैक टू माय चैनल। फहीम ने हमें छोड़ा, मायशो को बहुत मजा आया बंदर देख के। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कुछ ट्रैवलिंग का, और मुझे नहीं पता ये लोग कुछ प्लान ट्रिप कर रहे हैं। मैंने मम्मी के लिए छोटा सा गिफ्ट मंगाया था अपनी सासू मम्मी के लिए, तो वो मैं दिखाने जा रही हूँ। मम्मी को पसंद आता है कि नहीं। एंड इट्स फ्रॉम क्लाउन फिश ब्रांड है ये। तो मैं मम्मी को ये गिफ्ट देने जा रही हूँ। चलो रिकॉर्ड करते हैं उनका रिएक्शन, कैसा लगेगा। दादी का न्यू पर्स। एक तो नोट भी रख देती तूने? अभी तो आया है। क्या रहा है? नोट भी रख देती ना, लेट तो नोट तो मैं भर लूँगी। चलते हैं, नोट तो भर लूँगी। काजुन बंद हो सकता है क्या इस टाइम? क्यों घूरा मायशो? आपने मुझे ऐसे क्यों देखा? मामा ने आपको कार्टून बंद करने के लिए कह दिया। कार्टून बंद कर। अच्छा आप मामा को प्यार करती हो? जल्दी बताओ पहले। पहले बताओ आप मामा को प्यार करती हो? मम्मा को तो नहीं पर पापा को जरूर करती है प्यार। अरे पापा कहाँ गए? पापा को करता है? पापा ने अभी मायशो को टाकू खिलाया था। टाकू अपने टाकू में से। मायशो भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मायशो को कार्टून देखना है। क्या देखेगा? मुझे ड्रॉप करके चला गया था मुझे और मायशा को। रात हो चुकी है एंड नाइट शूट में हूँ मैं इस टाइम पे। एक दिन के लिए भी जाती है तो काम कितना बिखर जाता है ना। बिखर जाता है यार, बहुत सारा काम है। शिट, बट बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कल फिर फहीम वापस आने वाला है। रुखसार एंड फहीम कल आ रहे हैं डिनर पे, एक्चुअली नॉट लंच पे, क्योंकि लंच पे हो नहीं पाया। रुखसार की मॉर्निंग शिफ्ट थी इस वजह से, तो कल फाइनली वो लोग आ रहे हैं। और रिमोट ढूंढ रही है तो यार सुबह मुलाकात होगी क्योंकि कल काफी सारा काम है। ओह माय गॉड माय स्किन ऐसे हाइलाइट कर रही है ना। चलो ओके बाय। कल मुझे अपना मॉर्निंग रिचुअल्स भी शेयर करना है, वीडियो भी शूट करना है, तो इसलिए गुड नाइट। The next day. Good morning. दादू नाराज हो गए। सॉरी बोल दो फिर दादू। पानी नानी नहीं, दादू को सॉरी बोलो। गुड आफ्टरनून। मैंने अपनी नई बेडशीट बिछाई है भैया भाभी की आने की खुशी में। एक्चुअली ये वाली बेडशीट ना मैं कल ही मम्मी से लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड अभी बज चुके हैं 2, तो मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए आई एम वेरी रिलैक्स यू नो, क्योंकि मुझे पता है मैं आराम से बना सकती हूँ। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी होंगी एंड आई एम गोइंग टू यूज़ माय करंट फेवरेट 2 प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ के, और जो कि मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आ रहे होंगे। कौन से दिखाती हूँ। ओके सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज 2 ब्यूटीज़ जो कि मामा अर्थ के न्यू लॉन्च में हैं। मामा अर्थ हाइड्रा ग्लो CC सीरम कम्स इन 3 ब्यूटिफुल शेड्स एंड दीज मामा अर्थ नरिशिंग नेचुरल लिप चिक एंड आई टिंट अगेन कम्स इन 3 ब्यूटिफुल शेड्स। तो ये 2 अगर आपके पास है ना तो आप अपना पूरा मेकअप कर सकते हो, लाइक नो मेकअप मेकअप लुक कर सकते हो, एवरी डे लुक कर सकते हो, कॉलेज गोइंग, बिकॉज दे आर सेफ टू यूज़ बिकॉज इनके अंदर नेचुरल इंग्रीडियंट्स हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई एम इन द शेड 02 पीच। तो अपना मेकअप करते हैं, क्विक से रेडी हो जाते हैं। आईब्रोज एंड मस्कारा मैंने कर लिया है। सो दीज मामा अर्थ हाइड्रो ग्लो CC सीरम कम्स इन 3 ब्यूटीफुल शेड 01, 02, 03, आई एम इन द शेड 02 पीच। इसके अंदर है विटामिन सी जो कि हेल्प करता है स्किन को ब्राइटन करने में, हाइलुरोनिक एसिड जो कि हेल्प करती है स्किन को हाइड्रेट करने में। ये नॉन ऑयली है, हाइड्रेटिंग है, वाटर रेजिस्टेंट है एंड डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। द बेस्ट पार्ट की काफी लॉन्ग लास्टिंग है और आपको नेचुरल ग्लो देती है दीज। एंड ऑल्सो इसके अंदर SPF 30 है, सो परफेक्ट फॉर डे टाइम। ओके नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस मामा अर्थ नरिशिंग लिप चिक एंड आई टिंट। आई एम इन द शेड कोको न्यूड एंड इन द शेड बीट रेड। सो बीट रेड 01 जो है हम अपने चिक्स पे अप्लाई करेंगे। टेक्सचर इज सो क्रीमी है, आप इसे 3-in-1 तरीके से यूज कर सकते हो। बाय द वे इसमें 3 ब्यूटीफुल शेड्स आते हैं 01, 02 एंड 03 रोज पिंक। 01 बीट रेड में यूज कर रही हूँ क्योंकि वो शेड मेरे को काफी पसंद है। चिक्स एंड लिप्स पे उसे अप्लाई करूंगी एंड एज यू कैन सी कि बहुत इजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही सुंदर कलर पे ऑफ है। टेक्सचर जो है इसका काफी क्रीमी मैट है एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर मेड सेफ सर्टिफाइड, विच मीन्स इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये जो चिक टिंट है ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है आपकी आई। सो इन जस्ट 2 मिनट्स आई एम रेडी एंड यू कैन सी कि कितना सुंदर कलर आया है फेस पे। आई एम लविंग इट, लाइक बहुत ही प्रैक्टिकल मेकअप आप इसे कर सकते हो। एंड यू कैन यूज़ माई कोड SHY2023 टू गेट 20% ऑफ एट मामा अर्थ। आप ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, इजिली अवेलेबल है नाइका, अमेजोन, मामा अर्थ पे, फ्लिपकार्ट पे। बट सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ,
आप इन्हें ऑफलाइन स्टोर से भी बाय कर सकते हो, आपके आसपास के मामा के ऑफलाइन स्टोर से जाके भी बाय कर सकते हो। अगर कुछ भी बाय कर रहे हो ना मामा अर्थ से, तो 2025 बहुत ज़्यादा करीब है। 1 मिलियन ट्री लगाने का जो इनिशिएटिव है वो पूरा हो जाएगा जब भी आप कुछ बाय करोगे। मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री, जिसे आप ट्रैक भी कर सकते हो। सो किस बात की देरी है, चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स। बाय। अब 3 तो बज ही चुके हैं, तो मैं सबसे पहले अपना लंच करती हूँ और हम प्रिपेयर करेंगे अब फहीम और रुखसार के लिए अच्छा अच्छा खाना। हमने उन्हें बुलाया है डिनर पे, तो वैसे फहीम तो बहुत ही बार आया है बट रुखसार का पहली बार है, एंड आई नो कि वो बहुत हेजिटेट होगी, डरेगी, क्योंकि नॉर्मल है। व्हाट डू यू थिंक, आप लोग कभी अपनी शादी के बाद, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी शादी के बाद किसी फैमिली डिनर या लंच पे गए हैं, लाइक यू नो इन लॉज की तरफ, तो थोड़ा डर लगता है ना। दुल्हे को भी लगता होगा, लाइक अगर वो लड़की की साइड जाता है तो। कॉमेंट डाउन बताना ज़रूर मुझे कि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जब मैं शादी करके नई नई गई थी ना, तो मेरे साथ तो हुआ था भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था अपनी बुआ सबके, मतलब डर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ किसी को तो कैसा लगेगा, बट यू नो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, आपको दोनों तरफ से रखना पड़ता है। क्या मैं किस बात का ज्ञान दे रही हूँ। A few hours later, माशा को कार्टून में थोड़ी देर लगाना पड़ रहा है क्योंकि किचन में तेल का काम चल रहा है और ये आगे पीछे घूम रही है, या तो मम्मा या तो दादी ऐसे ऐसे, और किचन में तेल के काम के वक्त नॉट सेफ। क्या चाहिए, मंदल, मंकी और बंदर को मिला के बनता है मंदल। ओके, तो अब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फहीम थोड़ा लेट है, 5 बजे का टाइम दिया था बट 6 बज गए हैं, बजने वाले हैं, तो हम स्नैक्स में पकौड़े सर्व करेंगे, चटनी, पकौड़े, दही बल्ले, जो भी समझ लो, और उसके अलावा स्नैक्स है। ये तो उसकी प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी, एज यूजुअल अच्छी बनती है मेरे हाथ की। कभी अपने सब्सक्राइबर्स में से किसी एक को ज़रूर खिलाऊँगी अपने हाथ की पनीर की सब्ज़ी। और छोले बनाने जा रही हूँ और चावल बनाने हैं मुझे। पनीर बन चुकी है, छोले भी बन गए, चावल भी मैंने चढ़ा दिए, और यहाँ पे मैंने आज अपनी पहली बार मायके से आई हुई ट्रे निकाली है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स रखते हैं ना, मैं अपने मायके से मतलब शादी के टाइम पे लेके आई थी, तो वो ट्रे सच है। और अभी बिस्किट्स वगैरह निकाल रहे हैं क्योंकि स्नैक्स सर्व करने हैं, एकदम वेरी फास्ट। चलो जी सेट कर लेते हैं, एक्चुअली फहीम आ चुका है, हाँ मैंने बता दो नीचे है वो, ऊपर आने वाला है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। ये काम तो, ओह माय गॉड, वालेकुम सलाम, नमस्ते, हेलो आयशु, बहुत महक रही हो रुखसार तुम तो। आयशु कैसी हो, आयशु मामी ये तो कल देखी थी अपने घर पे, पहले ये जो माल लाए वो रख दो। हाँ जी ये रख दिया, और अभी और भी लायो, इतना सामान लेके आ गए, होता है शादी के बाद, ये होता है शादी, वैसे भी हमेशा लेके आता, उसमें कौन सी बड़ी बात है मामी। लड़की को वो आज पहन के आई है, लोग कहते हैं हमने गोल्ड नहीं चढ़ाया, मैंने कहा यार हमने बहुत गोल्ड चढ़ाया। मैं भैया नहा रहे हैं, पापा कहाँ गए, पापा नीचे, अच्छा नीचे, अच्छा पहले पापा मिले थे, आ चुकी हूँ, अब तुम भी कमेंट्री करती रहो। रुखसार पहली बार आई है, शादी से पहले व्लॉग्स तो बहुत देखे होंगे रुखसार ने मेरे, है ना, लेकिन अब आई हूं तो मुझे पति जल्दी आ जाओ, चावल भी रेडी सब कुछ हो गया, फहीम वहीं ले आ गए, तो मैं जा रही हूँ उनको स्नैक्स कुछ सर्व कर देती हूँ, पकौड़े फिर चलते हैं। तो भी वैसे भी अभी कोई हेल्प नहीं है, हेल्प के लिए नहीं है, क्योंकि शाम का खाना है, तो शाम तक हमारी जो हेल्पिंग हैंड है वो नहीं होती है, तो अकेले मेरे को ही करना है, या मम्मी हेल्प करेगी तो मम्मी उन लोगों के साथ बैठी, तो ऑब्वियसली अकेले मुझे करना है। लेट्स डू दिस गाइस, लेट्स डू दिस। बोल बोल बोल, ये वाले पकोड़े, पकोड़े के बारे में कुछ बोल रहा था, बोल 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 बोल, तेरी बहन ने बनाया, नहीं आंटी ने बनाया, आंटी तल रही है ना,
सारी तैयारी शायद ने भी की है, ऐसा नहीं है। नहीं बात ना बनाता है उसका नाम होता है। ये पकौड़े नो वर्ड्स बेकार बनेगा इतने। अगर अच्छे बने तो तारीफ करनी चाहिए ना। बहुत अच्छे बने ना दे भाई। नो वर्ड्स मतलब अच्छे बने माशाल्लाह। जिसने बनाया उसको बोलियो भाई हमें क्या। नहीं मम्मी ने, मम्मी ने बनाया। रुखसार कह रही है मैं शर्माऊंगा नहीं, ये आपकी पकौड़ों की तारीफ कर रहा है। मैं तो खाली कर चुका हूं। रेसिपी बता दे। कुछ शायद ने बनाया, कुछ मैंने बनाया। सब्जियां शायद ने बनाई और मुझे ये पकौड़े। अभी सिर्फ बात पकौड़ों की हो रही है, सब्जी खा के फिर सब्जी की करेंगे तारीफ। क्या डोला है, क्या डोला है, क्या डोला है जीगू। ये हमारे राजा महाराजा इस चम्मच से खाएगा। तो हमारे पूर्वज सुन रहा फहीम, हमारे पूर्वज इस चम्मच से खाएगा। आंखें चौंधिया गई, आंखें चौंधिया गई है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। ये ऐसे ये वो है वो अरे जो इटली में जो महंगे जो आते हैं सुन सुन भाई तेरा बेड भरा पड़ा है इनसे पीतल से। अरे सुन, पीतल नहीं है यार, कितनी सुंदर लग रही है। पीतल करता जीगू बल्ले फन्ने का, बल्ले ना फन्ने का क्या हो गया। खास कर एक वांछी इतनी पूरी है कैसे लड़का ऐसे लड़का। वो कह रहे नहीं लगी नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मुझे इतना ऐसे कैसे बोलते हो। चलो हाँ ठीक है। सब लोगों ने बोला कि गेस्ट जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनको कम घर दिखा दो, तो मैं शुरू कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भाभी, नहीं तुम मेरी भाभी हो, मैं तुम्हारी नंदू, ये तुम्हारा पति है, ही मेरा भाई है। पापा कमरा तो अब रहा ही नहीं है, माइशु कमरा हो चुका है। ये माइशु ने कब्जा कर लिया इस कमरे में। ये भी माइशु की अलमीरा है। कितने बदले इसमें, ये शाय से मिले हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे मेरे को। ये शाय के बर्थडे के अगले दिन की 23 जनवरी की फोटो है, शिमला जब मैं आपको लाके गया था। ये कामाक्षी का सिंहासन है, राज सिंहासन इतना ऊंचा। कामाक्षी का राज सिंहासन है इतना ऊंचा। ये इतना डबल गद्दे है, ये एक गद्दा ना, ये एक गद्दा ये खुशी दीदी का है। कामाक्षी का राज सिंहासन कामाक्षी का। इसे ऊंचा बैठने आता है। ये हमारी रोजी है, ये हमारी रोजी रोटी है। ये मेरा ये स्टूडियो नहीं था, ये पहले स्टडी रूम था मेरा। ये स्टूडियो नहीं था, ये हमारा ना वो हुआ करता था स्टडी रूम। बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मुझे घर का पार्ट ये लगा स्टूडियो। ये हर जहाँ रैक खोलना खोलो, हर जगह मेकअप भरा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को शाइस्टर ये मेकअप, अब आइए असली बारी फ्रंट करने की। अरे अब अरे बताएंगे, इधर सब छोड़, वो देखो अब शाइस्टर फ्रंट करेगी। चलो मेकअप, मस्कारास, लिप लाइनर्स, आईब्रोस, चलो इसको मैं ना ब्रिंग कर दूँगा। माय कंसीलर एंड फाउंडेशंस, लोग कहेंगे सच में फ्रंट करी भाई, नहीं कर रही, बस दिखा रही हूँ सार को। रहते हैं दिलन बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाने में क्या है, पहले मेन्यू बता चुके हैं और ये हमारे चावल भी रेडी हो गए। मायशु आप भी खाओगे? ओह मायशु आप भी खाओगे? यस यस। चलो आपकी प्लेट आपकी कतोली निकालते हैं। आजो, इधर आओ। मामू के साथ बैठ जाओ, चिपक चिपक के बैठ जाओ। यस ये तू ऐसा क्यों घूम रहा है शैतान बच्चों की तरह? चलो सारे बैठ चुके भाई खाने के लिए, चाय लगी हुई है सर्विंग में। खाना खा के बताना कैसा लगा, जरूर ठीक है भाई कैसा लगा डिनर विनर सब कुछ, कैसा लगा हमारा घर परिवार, कैसा लगा घर परिवार कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। घर में सबसे अच्छा कौन लगा पहले बताओ? सभी लोग अच्छे थे। अच्छा सभी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा और सब हाँ है, सब अच्छे हैं माशाल्लाह से। और बहुत अच्छा खाना में सबसे अच्छा क्या लगा?
सभी अच्छा लगा। अच्छा ये दिल रखने के लिए बोल रही है, अभी गाड़ी में बताएगी ये बहुत बुरा था, ये बहुत अच्छा था, क्यों मैंने कहा क्या तो मैं ये देखो कि मेरे को 10 बजे कहीं पहुंचना और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ लिटरली कि इनके जाने के बाद निकलूंगा, है ना। चलो तुम अपनी मुंह दिखाई तो ले लो हमारे यहाँ, ये तो मुंह दिखाई है डिनर, पहली बार घर पे आए, चलो इसको भी कैसे? अच्छा इसको भी मिलेगा, लड़के को भी मिलता है क्या? लड़के को थोड़ी ना मिलता है, जल लड़के को नहीं होता, मुझे कहीं नहीं मिला था लड़कों में, हाँ। लड़कों को नहीं होता मतलब, रुक सारे तुम्हारा ही है बस, इसने आधा आधा कर दिया, मामा मामी ने आपको हाँ। दिए थे, ऐसे नहीं बोल सकते, आधे आधे कर दिए, तुम्हारा हिस्सा है ले लेना वापस, ठीक है हाँ ठीक है, अभी दे अभी दे, नहीं होते कहीं नहीं मिले शायद, मुझे कैसी बात कर रहे हो, मामा के हाथ कैसे नहीं मिला, हाँ ये तो यार एक तरीके से घर का बेटा ही है, बहू के पैसे होते हैं, लड़के कहीं नहीं होते, अरे मतलब ये सहमत है, भाई को ले सकती है, इसको नहीं इसका नहीं होता कहीं पे भी, ले लो वापिस, तुम्हारे ले लो वापिस, छीन लो, मुझे भी नहीं मिला था ना इसलिए कह रहा हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, चलो। A few moments later. ग्रुप हग, ग्रुप हग, बाय बाय, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मैं फिर भी आना है, ये ना है कि फिर नहीं आना, बाय बाय बोल दिया हमने, तुमने बाय करा, The next day. Good morning guys, so yeah that was it for this vlog, acha laga to don't forget to like share and subscribe, bye, you can shut